नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शने शने। नमस्कार, मैं रितिश कुमार तुहाडा चैनल स्वागत कर रहे हैं। अज आप एक नवा एपीसोड रब के बंदे दे नां तो स्टार्ट करन जा रहे हैं, जिस दे विच आपां रूबरू करावांगे तुहाडे नाल जो भी पंजाब होवे या पूरे हिंदुस्तान दे विच जिहड़े समाज दे विच अच्छा काम कर रहे ने, अपने धर्म दे नां नूं धर्म नूं उच्चा वधा रहे ने, जोड़न दा गल कर रहे ने, ते अच्छी शख्सियतां नाल तुहानूं आपां रूबरू करावांगे। अज आपां गल करांगे एक ट्राई सिटी दा वड्डा नाम KFT दे मैनेजिंग डायरेक्टर आभा बंसल जी, जो समाज सेविका के नाल नाल धर्म के कामों के वध चढ़ के हिस्सा लेंदे ने हर काम के उन्होंने, बेशक धर्म की गल हो, किसी की मदद की गल हो, किसी रोज़गार देने की गल हो, किसी तरीके दे भी कोई भी समाजिक कार्य करना हो, वध चढ़ के अगे वो अगे आते हैं। तो साढ़े नाल मौजूद ने इस वेले मैम आभा बंसल जी। मैम पहले तो साडा चैनल स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम जो भी एक समाज की कोई भलाई की गल हो धर्म की गल हो तो नाम सब तो उपर आता है, ट्राई सिटी बहुत बड़ा नाम है तुहाडा, एक किस तरह तुसी जुड़े एक धर्म के नाल, एक व्यापारी भी होने एक धर्म के नाल जुड़ गए, एक किस तरह तुहाडे मन च यह स्टार्ट होया है? सब तो पहली गल तो मैनू तुहाडे तो पता चल रहा है इस तरह की कोई गल के वड्डा नाम है, मैं नहीं समझती कोई वड्डा नाम, क्योंकि वड्डा नाम सिर्फ ईश्वर का रब का है, उस तो बाद संतां दा और असी महापुरशां दे नाम गिनदे आ, असी सिर्फ इंसान हाँ, और इंसान दे तौर ते सिर्फ ये है कि जो ईश्वर ने साडे दिमाग च या साडी रूह दे विच ऐसी कोई नॉलेज दिती है या सानू कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दिती है कि असी कुछ समाज दे विच रब दे नाम नू लैके कुछ कर सकीए, सनातन नू अग्गे वधा सकीए, कुछ इदां दे कर्म कर सकीए जिहदे नाल कि समाज की भलाई हो सके, असी सिर्फ वो कम करदे आ। ये सारी जिहड़ी मत कह लो ये रब ही एक इंसान दे अंदर पाउंदा है और उहदे हिसाब दे नाल असी चलदे आ। असी शुक्रिया करांगे कि रब ने सानू ऐसी ऐसी मत दिती है कि असी इदां दे कम्मां दे विच अपनी जिहड़े एफर्ट लगा रहे हैं अज दी डेट दे विच। ते एक तुहानूं आपां गल दस दईए आपां श्रोतियां नूं कि बड़ी मुश्किल आ, मैम कैमरा ते आना नहीं चाहुंदे सीगे कि नहीं मैं एक आराम नाल अपने तरीके नाल मैं काम कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल सानू टाइम मिले हैगा। तो मैम कई लोग होंदे ने इस तरह कि जिन्हां कोल हुंदा हैगा पर वो अगे वधदे नहीं है, या उन्हां नूं ये लगता हैगा कि शायद जिथे मैं कितें कोई इनवैसट करा या मैं किसी मंदिर दी या किसी की सेवा करा या किसी की हैल्प करा वो प्रॉपर लगेगा नहीं। तो तुहानूं किस तरह लगता हैगा कि जो तुसीं कर रहे हो सारा तुहाडा बिल्कुल सही जगह पर लग रहा सारा कुछ? नहीं लगेगा या नहीं लगेगा वो कोई परसैप्शन लैके चलते लोग अपने अपने दिमाग की, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिहड़े कम तुसी लोक भलाई लोक सेवा या लोकां दे हित च या समाज दी सेवा पशुआं दी सेवा किसी भी तरह दी सेवा दे विच लगा रहे हो वो जरूर उहदा फल मिलदा और अच्छा फल मिलदा, पुन्न दा फल मिलदा। एक परसैप्शन है कि साडा लगेगा या नहीं लगेगा, वो सिर्फ अजकल दे जिहड़ा साडी कार्य प्रणाली है, जिवें तुसी कह सकते हो कि समाज विच कुछ ऐसियां कुरीतियां चलदियां ने जिहदे अनुसार कि कुछ लोगों को लगता है कि साडा पैसा लाया जिहड़ा वो सही काम दे विच नहीं जाएगा या उहदा सानू सही फल नहीं मिलेगा, वो क्यों कुछ सिस्टम दे अकॉर्डिंगली चीज़ा ने जिहड़ियां कि चेंज भी कीतियां जा सकदियां, उहनां नू करैक्ट भी किया जा सकता है, पर उहदे वास्ते काफ़ी एफर्ट चाहिए ने। पर मेरे हिसाब नाल लोगों नू ये सोच लैके चलना चाहिए कि भलाई दे काम पुन्न दे काम लोक सेवा समाज सेवा पशु सेवा या संसार दे विच किसी भी तरह की सेवा जिहड़ी है उहदा फल जरूर मिलता है, किसी तरह मिले उहदा फल जिहड़ा है वह रब ने तुहानू जरूर देना ही देना है जी। मैम तुहाडे हसबैंड का किस तरह सहयोग रहिंदा तुहाडे नाल इह कारजां दे विच, क्योंकि बहुत वड्डे व्यापारी भी ने ते इस इह काम लई उहनां दा किदां सहयोग रहिंदा तुहाडे नाल? जी वह भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति दे ने, उहनां दा भी दिमाग और रूह जिहड़ी है वह धार्मिक कम्मां दे नाल बहुत ज़्यादा जुड़ाव है उहनां दा और आस्तिक ने वह बहुत ज़्यादा और वो हर गल ते मेरी सपोर्ट करते हैं। ऑल दो उन्हां दी अपब्रिंगिंग जिहड़ी है वह न्यूजीलैंड बाहर दी है, फ्रॉम वेरी स्मॉल एज 6 साल तो ही उन्हां दी बाहर चले गए सी, उत्थे उन्हां दे उन्होंने अपना इतों इमीग्रेशन हाँ जी उन्होंने उत्थे दा ही सिस्टम है, पेरेंट्स भी उन्होंने उत्थे ही है। तो उन्हां दी जिहड़ी अपब्रिंगिंग है वह थोड़ी बाहर दी तुसीं कह लो कि उतों का लाइफ स्टाइल उन्हों का उतों का, लेकिन जुड़ाव उन्हों का जिहड़ा है वह अपनी धरती अपनी मिट्टी अपने देश के नाल है, अपनी संस्कृति अपने धर्म के नाल है। तो ऑल दो बिजी रहिंदे ने साडी इंडस्ट्री है तो उहदे विच उन्हों का मतलब कि ही इज़ सर्वे सर्वा ही इज़ वन मैन शो, उन्हों का सारा सिस्टम चलता है, बट क्योंकि दिमाग के रूह के जिहड़ा धर्म वसया है इस करके उन्होंने
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਮ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੋਈ ਓਕੇਜਨਲ ਕਿਸੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੂਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਲਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਿਨਾਰੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਾਡਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕਲੱਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੀਚਿਸ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆਲਦੋ ਇਹ ਸਭ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਲਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕੁਛ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੂਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਫੇਸ ਨੌਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਨੀਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਜੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫੇਸ ਨੌਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਕੇ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ 2020 'ਚ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਮਟੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੁਦਰ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਵੈਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਵੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਲਦੋ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਫਰਟ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਨਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨਰ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਫੁੱਟਫਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੇ
सानू समझो आदेश दिता कि उत्थे जाके तुसी एक मंदिर की स्थापना करनी है ताकि उत्थे भी भगतों का लोगों का आना जाना शुरू हो। बस उस आदेश नू मन के जो असी उत्थे पहुँचे तो उत्थे कंडीशन देख के साड़ी रूह दे विच भी इदां दा मतलब कि तुसी कह लो कि एक संकेत आया कि इत्थे कुछ करना बहुत जरूरी है। फिर बस मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि एक मंदिर इत्थे बनवाया जाएगा और क्योंकि वह शनिदेव जी के बहुत वड्डे भगत ने इस करके पहला शिवजी का मंदिर बनवाया सीगा। शिवजी परम तुसी कह सकते हो कि ही इज टॉप मोस्ट, उन्होंने उपर कोई शक्ति नहीं है। तो बाकी जितने भी साढ़े देवी देवता सनातन के ने सब शिवजी के ही रूप ने, तो इस करके फिर शिवजी का मंदिर स्थापित करने बाद हूँ असं शनिदेव जी का मंदिर स्थापित कर जा रहे हैं 25 फरवरी 2023। तो मैम आप होल्डिंग्स भी देखी हैं 22 से लेकर 25 तक के प्रोग्राम्स हो गए, तो उस बारे थोड़ा दसोंगे किस तरह के प्रोग्राम्स है 22, 23, 24 इस तरह? हाँ जी, 22, 23, 24 नूं तां जिहड़े विधि अनुसार जिहड़े सनातन दे साडे विधियां ने जिन्हों तुसीं कह सकते हो कि प्रोसैस की हुंदा है एक मूर्ति स्थापना दा या फिर मूर्ति नूं स्थापित करके उहदे विच प्राण प्रतिष्ठा करन दे जिहड़ा टोटल प्रोसैस है प्रोसीजर जिन्हों कहने आ उह 3-4 दिनां दा हुंदा है। जिदां मंत्र वगैरह जाप चलेगा उहदे विच फलादिवास अनादिवास मिष्ठानादिवास मतलब कि प्रभु नूं ईश्वर दी जिहड़ी असीं मूर्ति लै के आए हैं वह क्योंकि मूर्ति अलग अलग स्टेट मतलब स्टेजिस तो गुजर के साडे हत्थां दे विच आई है। मतलब कि असीं कह सकदे हां कि वह पत्थर जिहड़ा है अज दी डेट च वह पत्थर जिहनूं मूर्ति दा आकार दित्ता वह शुद्ध नहीं है, उहनूं शुद्ध करके उत्थे विराजमान कराना उहदे विच प्राण प्रतिष्ठा करना उहदा सारा एक प्रोसैस चलदा है, पूरा एक सनातन दा पूरा एक पर्टिकुलर प्रोसैस है। वह प्रोसैस जिहड़ा 3 दिनां दे विच कंप्लीट होएगा, 25 नूं कंप्लीट हो जाएगा, 25 तरीक नूं असीं उहदी प्राण प्रतिष्ठा दा पूरा प्रोसैस जिहड़ा कंप्लीट करांगे। बाकी 3 दिन जिहड़ा उहदा प्री प्रोसेसिंग जड़ी है वो चलती रहेगी सारी। मैम जो शनिदेव जी का नाम आता है एक मन के ना जिदा घबराहट होने लग पी कि शनिदेव जी है डर लगता उन्होंने को ते तुहाडे हस्बैंड उन्हां दी पूजा करते हैं तो थोड़ा जहाँ तुम दसोगे कि तुम कि लगता है कि शनिदेव जी बहुत हूँ तुम समझ सकते हो कि हाँ एक घबराहट होंगी उन्होंने नाम सुन के कि तुम कि लगता कि किस तरह सहयोग रहा? नहीं ऐसा है कि वो परसैप्शन बना दी, जैसे मैं कहती हूँ ना परसैप्शन जो एक बार बन जाती है ना तो लोग उधर ही तुर पेंदे उदा अपना जो मनोवृत्ति है उदा दी बना लेंदे है। जिवें शनिदेव जी दे परसैप्शन बनाई है कि क्रूर ग्रह है और क्रूर देवता ने और जबकि वो लॉ एंड ऑर्डर दे देवता ने वो न्याय करते हैं, ठीक है तुहाडे कर्मां दा फल दिंदे ने, तुहानू कर्म फलदाता भी कहा जाता उन्हां नूं, ते तुसी अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल देंगे शनिदेव, पर उन्होंने क्रूरता का प्रतीक बनाया गया है कि बड़े क्रोधित रहेंगे ने बड़े क्रूर रेंदे ने, हाँ जी गुस्से च रेंदे ने, ढैया चल रही है साड़ सती चल रही है बई तुहाडा शनि ने ते ना सी कर रहा है जी, आपां कह सकदे प्रिंसिपल दे नाल चलदे ने, हाँ जी वह प्रिंसिपल नाल चलदे ने। और शनिदेव जिहड़े आ बड़े सॉफ्ट ग्रह वैसे अदरवाइज शनिदेव नूं अगर उन्हां दे पढ़िया जाए वह सॉफ्ट भी हैं बहुत ज़्यादा, और जिहड़े लोग उन्हां दे भगत ने जिहड़े उन्हां दी पूजा करदे ने उन्हां दे जिहड़े कर्म जे उन्हां नूं मतलब कि ओपोजिट इफेक्ट भी देना है उन्हां नूं पॉजिटिव इफेक्ट दिंदे, मतलब नैगेटिव इफेक्ट देने की बजाय पॉजिटिव फल मिलते हैं। और मेरे हस्बैंड जिहड़े और सिर्फ शनिदेव दे भगत ने उन्हां नूं ये कहो कि हाँ बाकी जरूर वो धर्म दे विच बड़ी रुचि है उन्हां दी, पर सब तो परम भगत जिहड़े आ उह शनिदेव दे ने। और मेरा कहना यह है कि रादर देन कि असी परसैप्शन इस तरह की बनाइए जी असी शनिदेव नहीं करने दी असी बड़ा डर लग रहा है जी राहु देवता तो सानू बड़ा डर लग रहा है, या जड़े साढ़े 9 ग्रह ने जड़े साढ़े ज्योतिष दे विच असी कहने आ एस्ट्रोलॉजी दे विच कहा जाता है कि 9 ग्रह जड़े ने 9 देवता मन्ने जाते हैं, असी भी 9 ग्रह की उत्थे स्थापना करवा रहे हैं 25 तरीक नूं, ते अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी राहु देवता केतु देवता शनि देवता ये सारे ग्रह जड़े वो क्रूर मन्ने जाते कि इन्हां दे फल जड़े आ नैगेटिव आते हैं, बट ऐसा नहीं है, परसैप्शन नूं चेंज करो, हर देवता जड़ा वो अच्छा फल पॉजिटिव फल भी दिंदा है और पॉजिटिव फल ही दिंदा क्योंकि वो देव है जी। वो देव है, देवता क्यों कहा गया है बिकॉज वो अच्छा पॉजिटिव फल देना ही उन्हां दा वो जड़ा आपां कह सकदे कि स्ट्रिक्ट फादर ने, जिहड़े लोगों को नैगेटिव फल मिलते हैं या सानू भी मिलते हर एक इंसान के नैगेटिविटी भी आती है लाइफ के नैगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है बैलेंस है लाइफ का, वो इस करके क्योंकि असी कुछ ऐसे कर्म किए जिन्हों का सानू नैगेटिव फल मिलना ही असी सोचते हैं असी की किया लेकिन किता हुंदा है इंसान ने हर एक इंसान ने अपने जीवन के गलतियां कीतियां पाप किए कुछ ना कुछ ऐसा किया कई बार असी भुल जाने
कई बार सानू याद भी हुंदा है लेकिन असीं उहनूं नकारदे आ, असीं एक्सेप्ट करन नूं तैयार नहीं कि मैं कोई पाप किया सी या मैं कोई झूठ बोलिया या मैं कोई डिसऑनेस्टी की, पर असीं रोज़मर्रा की जिंदगी विच कुछ ना कुछ इदां दे छोटे वड्डे काम करते रहने जिहड़े कि कर्मां दे अनुसार नैगेटिव ने, तो उहनां दा फल मिलना ही मिलना है और वह उहनां ग्रहां दे तों सानू मिलता है। पर जे असी पॉजिटिव नू पॉजिटिविटी लैके चलीए, उन्हां दे अगे अपना शीश निवाइए, उन्हां तो अपने कर्मा दी पाप दी माफ़ी मंगिए, तो सानू पॉजिटिव उहदा फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मैम 25 तरीक नू होर की एक बड़ा वड्डा आयोजन हो जाएगा, की 25 नू खास की होएगा? 25 नू बहुत वड्डा आयोजन हो रहा है, असी एक्सपैक्ट करके चल रहे हैं 1500 to 2000 श्रद्धालु, सारे मोहाली दे विच एडवरटाइजमेंट चल रही है और बहुत सारे बंदे, बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे साड़ी टीम दे मेंबर, असी उन्हां नूं इस ड्यूटी ते लगाया है कि जन जन तक इस खबर नूं पहुँचा दिता जाए कि क्योंकि असी अपने सनातन नूं अगे लैके जाना है, इसे ही एफर्ट इसे ही उन्हों मोटिव नूं लैके असी हर इंसान तक इस खबर नूं पहुँचाना चाहते हैं कि 25 तरीक नूं एक मूर्ति स्थापना का आयोजन किया गया है और मोहाली वासी वध चढ़ के उहदे विच हिस्सा लैन और उहदे वास्ते असी बैनर्स और मीडिया के थ्रू एडवरटाइजमेंट और तुहाडे वर्गे लोग और न्यूज़पेपर जिस तरह का भी मीडिया सानू मिल रहा है असी उहदे थ्रू लोगों तक जरूर यह समाचार पहुँचावे कि 25 तरीक नूं वध चढ़ के हर सनातनी उत्थे मत्था टेकन आवे पहुँचे ताकि साडे सनातन नूं होर ज़्यादा सपोर्ट मिले, सानू अगे वधन दा हिंदुओं नूं मौका मिले। सो ये 25 तरीक नूं जिहड़ी मूर्ति स्थापना हैगी है, वाकई दे विच शनिदेव जी की मूर्ति स्थापना जिहड़ी होण जा रही है, एक बहुत वड्डा ते इक भव्य कार्यक्रम होएगा। तो आप भी अपील करते चैनल के राही कि जरूर उत्थे पहुँचो तो एक नज़ारा देखो जो मंदिर, कई लोग होणगे कि पहले देखा होएगा मंदिर भगवान परशुराम मंदिर, क्योंकि बहुत साइड पर आओ, बहुत पिछे ही जाके आता, बिल्कुल बॉर्डर से लगा लो पिंडा तो मोहाली के, तो इस बार जरूर देखो मंदिर दे की उस वेले उत्थे इन्ना सुंदर भव्य मंदिर बनया होया। तो शनिदेव जी का मंदिर तो तुहानू हुण कुछ शॉर्ट्स राही भी दिखावांगे आपां विच, पर जो देखण लायक होएगा उस दिन ही होएगा जिस दिन मूर्ति स्थापना होएगी। मैम आपां दूसरे पासे गल करते हैंगे, तुसीं समाज सेवा भी करते हैगे हो, अजकल जिस तरह महिलावां वास्ते आपां गल करिए, आपां कई पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते उन्होंने काम करने वास्ते कि नहीं तुसी बाहर नहीं जाना है, तुसी घर के काम ही करो, और बीइंग तुसी लेडी एक बिल्कुल बोल्ड होकर हर काम कर रहे हैं, अगे बढ़ चढ़ के काम कर रहे हो, कि तुसी मैसेज दोगे इदा दी वूमेनस नू या कोई इन्हां वास्ते कोई काम इस तरह का कर रहे हो तुसी कोई कि जिहड़े वूमेन नू भी कोई थोड़े हौसला मिले, कोई बैक सपोर्ट मिले? मैं अपने आप नूं लक्की मानती, फॉर्चुनेट मानती है कि मैं ऐसे परिवार च हाँ और मैं ऐसे परिवार तो जन्म लैके आई और ऐसे परिवार च मेरी शादी हुई जिथे कि वूमेन सपोर्ट किया जाता है। बिकॉज मेरे हस्बैंड की अपब्रिंगिंग बाहर दी है तो वह बहुत ही मॉडर्न दिमाग दे वो कह सकते हो कि शख्सियत ने और बहुत मॉडर्न विचार ने, उन्होंने बहुत खुले विचार वाले ने, उन्होंने इन्ह चीज़ों कि वूमेन को दबा के रखो, बिठा के रखो, परदे च रखो, इन्ह चीज़ों तो बाहर ने, उन्होंने ये कि मेरी वाइफ मेरे ना शोल्डर मिला के चले, कंधे नाल कंधा मिला के चले, तो मेरी भी गति है, मेरी भी तरक्की है और मेरे परिवार की तरक्की भी ताई है, क्योंकि जो एबिलिटी एक मैनू दिती है खुदा ने और कुदरत ने वो एक वूमेन भी सेम तरीके दिती है। बट ये क्योंकि समाज दियाँ कुछ कुरीतियाँ ने या कुछ परसैप्शन ऐसा बनाइया और चलिया आ रही ने हिस्टरी तो कि वूमेन नू दबा के रखो, बिठा के रखो पर्दियाँ च, वो इस करके कि वूमेन खुद अपने आप नू वीक समझती है। वूमेन अगर डट के मुकाबला करे कुरीतियाँ दा या समाज दे नेगेटिविटी दा तो वूमेन उहदा मुकाबला जरूर कर सकती है। बट हाँ क्योंकि कुछ असी ये भी कह सकते हैं कि परसैप्शन क्योंकि पुराने समय तो चलती आ रही है तो वूमेन सोचती है कि मैं घर के अंदर रहूँगी तो ज़्यादा सेफ है, बट नहीं, वूमेन नू भी अगे आना चाहिए है समाज दे विच, मैन दे नाल कंधे नाल कंधा मिला के उन्हां नू चलना चाहिए है। और हाँ कुछ वूमेन नू प्रॉब्लम्स भी फेस करनिया पैंदियां ने। मैम तुहाडे वल्लों कोई सपोर्ट चल रही है इस वेले? मैं सपोर्ट संस्था कोई चलाई, मैं संस्था नहीं चला रही हले कोई, लेकिन टाइम टू टाइम अगर कुछ मेरे को आ जांदियां ने प्रॉब्लम्स मेरे अगे आंदियां ने, उन्हां वूमेन की जरूर असी सपोर्ट करी दी है, उन्हां वास्ते एडमिनिस्ट्रेटिव हैल्प या किसी होर तरीके की हैल्प, फाइनैंशियल हैल्प सब तो पहला जी, फाइनांस जे जेन्युइन होवे ते जरूर फाइनांस दी हेल्प चाहिए, किसी नूं एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प चाहिए है, किसी नूं किसी होर तरीके की हेल्प चाहिए है, मेडिकल हेल्प चाहिए है, डोमेस्टिक उहदी कोई प्रॉब्लम चल रही है उहदे वास्ते भी असी, मैं जरूर अगे होकर उन्हां दी हेल्प करदी हाँ, बट कोई ऑर्गेनाइजेशन हाले तक क्रिएट नहीं की है। उहदा रीज़न यह है कि बिकॉज आई एम वर्किंग ऑलसो मेरे हसबेंड की कंपनी च, तो इस करके मैनूं थोड़ा जिहा टाइम भी नहीं मिलता, एंड सैकेंडली मैं हाले थोड़ा जिहा इन्नी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन दे मामले च सोचा भी नहीं है,
मैं सोच रही हूँ, मैं करूँगी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, और ज़रूर कुछ ऐसी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऐसा मोटिव लेके चलेंगे कि जन जन तक पहुँच सकी और अच्छे तरीके ना हेल्प कर सकी लोगों की। वो भी टाइम आएगा जो असी कोई ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म तो लोग विमेन की हेल्प कर सकें। मैम जो अज का यूथ हैगा वो अपने धर्म तो बहुत पिछे आ रहा हैगा, या तुम ये गल लगा लो आप जो माहौल देखते हैं लड़ाई वालू ज़्यादा ध्यान है, गाणिया तो प्रभावित बहुत छेती होते, जबकि भजना तो मंत्रा तो प्रभावित नहीं होंगे, जी स्टोरी साढ़िया चलती सी रामायण हो गए महाभारत हो गए उन्होंने तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, कि तुम इदा के बच्चों की मैसेज देना चाहोगे तुम? बिल्कुल है जी, ये बहुत ही मंदभागी गल है कि बच्चे जड़े गाणिया तो प्रभावित ने, कल्चर तो प्रभावित नहीं ने, धर्म तो प्रभावित नहीं है, मॉडर्नाइजेशन तो प्रभावित ने। गाना आ गया कोई ये बंदूक दा या और ओदे इंटरेस्ट लेंदे, इवन दो मैं भी कदे कदे इदा दे कुछ एक्टिविटीज कर दी, बट लेकिन मेरा यूथ नु कहना ये है कि मॉडर्नाइजेशन ठीक है लेकिन तुसी धर्म नु छड्डो ना, बिकॉज धर्म ही तुहानु सीख दे रहा है। बच्चे इस करके ओदे तो प्रभावित हुंदे क्योंकि ओदे विच दिखाया जांदा है रंग बिरंगियां लोकेशंस, गड्डियां महंगियां गड्डियां और वड़े वड़े रेस्टोरेंट्स होटल्स दी लोकेशंस बीचेस दिखाए जा रहे, उन्हां तो प्रभावित होना स्वाभाविक है यूथ दा, बिकॉज यूथ एक ऐसी स्टेज है जिदे विच तुहाडा हॉर्मोनल चेंजेस इदां दे है कि यूथ जिहड़ा ओह ऐसे लुक्रेटिव चीज़ों तो प्रभावित होना उन्हां दा स्वाभाविक है। लेकिन क्योंकि इत्थे सिर्फ पेरेंट्स का ही एक रोल प्ले हुंदा है कि पेरेंट्स उन्हां नूं सिखाण जे कि इन चीज़ों के नाल नाल अपने धर्म नूं भी और अपने कल्चर नूं भी संभाल के रखो, एटलीस्ट एक बार मंदिर हफ्ते च या 15 दिन बाद। ए फैमिलीज़ दा रोल, तुहाडी फैमिली वैल्यू की है, तुहाडी फैमिली ने तुहाडे दादा जी तुहाडे नाना जी तुहाडी दादी नानी ने तुहानूं की सिखाया है, वो बहुत वड्डा रोल प्ले करदा है। और जिन्ना फैमिलीज़ दे विच वैल्यूज़ एंड कल्चर्स धार्मिक चलते हैं उन्होंने बच्चे जरूर धार्मिक प्रवृत्ति दे रहिंदे ने और वो वड्डे हो के भी वो धार्मिक फॉलो करते हैं, पर कुछ फैमिलीज़ दे विच पेरेंट्स भी जड़े ने उन्होंने धार्मिक वैल्यूज़ का इन्ना ज़्यादा लगाव नहीं है तो वह अपने बच्चों भी अगर ट्रांसफर नहीं कर पाते। इस करके हर एक इंसान के विच प्रचार करना बहुत जरूरी है कि धर्म को भी अपना विशेष स्थान दो अपनी जिंदगी दे विच और बच्चों भी ऐसी शिक्षा दो कि मॉडर्नाइजेशन के नाल नाल और अपने जड़ा मॉडर्न जड़ी तुसी सोच रखी है उसके नाल नाल धर्म को, धर्म कोई पिछड़ी हुई चीज़ नहीं है, धर्म सिर्फ एक सोच है रब दे नाल कनैक्ट होने एक जरिया है, तुसी खुदा नाल रब दे नाल ईश्वर दे नाल कनैक्ट होना है तो एक जरिया है, एक कोई मतलब कि कोई तुसी कह लो कि फॉलो करन मतलब इट्स नॉट ए मतलब आप जोड़ सकता कि धर्म जोड़ा है जिदा आप नैगेटिव होंगे कई बार या उदास होंगे या साडे मन च कोई नैगेटिव थॉट्स आते कि नहीं मैं परेशान हो गया, जो धर्म ना जुड़े रहेंगे या मंदिर ना जुड़े रहेंगे तो आप पॉजिटिविटी आएगी। बहुत बार इस तरह होंगे कि अगर तुसी तुहाडा कोई डिप्रैशन चल रहा है सैडनेस चल रही है तुसी मंदिर गए उत्थे तुहानू इस तरह की फीलिंग आ जाएगी कि कुछ अब पॉजिटिव हो जाएगा कि मैं इत्थे मत्था टेकन आया है, रब ने ऐसा कोई तुहानू संकेत दे देना है, ऐसा कोई उन्हें तुहानू दिखा देना है कि कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, अब तू आया है मेरे दर ते आशीर्वाद लेके जा कर जाएगा सब कुछ पॉजिटिव चेंज होया होएगा, तो वो ऐसी चीज़ा होंगे जब तुम रब के दर ते जाते चाहे अपने घर के मंदिर च भी मत्था टेको तुहानू इस तरह की फीलिंग जरूर आएगी। मेरी जिंदगी अजमाइया हुई गल्लां ने कि जदों जदों मुसीबत आई चाहे मैं अपने घर के मंदिर के मत्था टेकन गई हाँ, मैंने प्रॉब्लम आई है मैं घर के मंदिर च मत्था टेकन गई हाँ और अगले पल या अगले दिन या अगले हफ्ते वो मुसीबत टल गई वो चीज़ वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो गई, ये मेरी खुद की अजमाइयाँ हुई खुद भी पॉजिटिव हो गए मैं पॉजिटिव हो गई मेरी सिचुएशन पॉजिटिव हो गई वो जड़े नैगेटिव जो इंपैक्ट सीगा वो पॉजिटिव हो गया। कई बार बीमार हो जाता है घर की फैमिली के मैंबर बच्चा बीमार हो गया हस्बैंड बीमार हो गए तो दवाइया नालों ज़्यादा मैनू बिल्कुल मैं मत्था टेकन चल जानी दवाई चाहे दवा दवा खैर कुछ लोग हसणगे कि भाई ये कोई ऐसी चमत्कार वाल मैं कोई इशारा कर रही हूँ ऐसा कुछ नहीं, नहीं पर भरोसा है कि विश्वास है विश्वास जी कि दवाई देने तो पहला मैं एक बार मत्था टेक आवा बच्चे नू लेके मैं कहूँगी आयान चलो बेटा मत्था टेको पहले ठीक है रब दे दर ते जाओ उन्हां तो मंगो कि मैनू ठीक कर दो क्योंकि करना तो आखिर दे विच उन्हें ही दवाइया भी उन्हें पहुँचाड़ियाँ डॉक्टर भी तुहाडे कोल उन्हें ही पहुँचाना है डॉक्टर के दिमाग च भी ऐसी सोच उन्हें ही पानी है कि ठीक करना है ऐसा डॉक्टर तुहाडे को भेज देना जिन्हें हाथ लाना तुसी ठीक हो जाना
तो ऐसी चीज़ों के मेरा विश्वास है और मैं धर्म और रब दे विच बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूं। मैम कुछ लोग इस तरह के होंगे कि परमात्मा ने बिल्कुल समर्थ बनाया होया उन्होंने पर फिर भी वो या थोड़ा चीज़ देंगे तो बहुत बड़ा प्रचार करेंगे जी मैं 5,500 रुपया दे के आया अज पर तुसी ऐसी शख्सियत हो कि कई कुछ तुसी करता सगो साडी रिक्वेस्ट ही तो आपां तुहानू मिल पाए हैं तुसी कहिंदे कैमरे अगे नहीं आना है तो की मैसेज देना चाहोगे बंदियां नू कि जे धर्म जे तुसी दान करना कहिंदे ना कि इक हत्थ ने इक दान किया दूजे नू ना पता लगे तो इदां दे जिहड़े लोग दिंदे थोड़ा तो प्रचार वड्डा करदे की सुनेहा देओगे उन्होंने। हाँ जी नहीं स्नेहा देन दे दी मैं अपने आप नू शख्सियत नहीं मानती कि मैं किसी नू स्नेहा दे सकां बट कुछ की उन्होंने रिक्वेस्ट आप या अपील कर सकते अपनी सोच दस देनी है कि ए जरूर साडे कल्चर दे विच हिंदू धर्म दे विच हिंदू संस्कृति दे विच हैगा कि दान करो एक हाथ तो ते दूसरे हाथ नू पता ना चले गुप्त दान करो है ना पर अजकल दी सिचुएशन इदां दी है कि 100 रुपए दी पर्ची भी कटाई ते कैमरे च कटाई। मेरा मैसेज भी सिर्फ यही है ऑल्दो कई बार सानू भी कैमरे के अगे आना पैंदा है कुछ करिए कुछ डोनेशन दिती कुछ जी मैडम जी कैमरे के अगे आ जाओ जी तुसी दसो इदां क्यों किदां कीता तुसी डोनेशन किदां कीती ऑल्दो तुहाडे चलो ये हो सकदा कि भी मेरे नाल होर भी जुड़ो आओ जे मैं कर सकदी तुसी भी कर सकदे मेरे अगे भी इदां दे सिनेरियोज आंदे ने कि डोनेशन करन तो बाद कैमरे के अगे आना पैंदा और दसना पैंदा जिदां आपां तुहानू मजबूर कीता मैं माउस दी गल करनी तुहाडे नाल एक्सप्लेन करना पैंदा जी डोनेशन कीती किदां कीती किन्नू कीती क्यों कीती ओह सारे इफ्स एंड बट्स आ जांदे ने साडे वरी मीडिया वाले सिर्फ मोटिव ये है कि असी करांगे ते शायद होर भी लोगों के मन च बदलाव आएगा होर भी लोग अगे आएंगे कि अगर एक इंसान कर रहा है दूसरा करे तीसरा करे 100 करन 50 करन और अगे अगे सिलसिला वधदा जाए बट सनातन की संस्कृति कहती है कि एक हाथ दान करो दूसरे को पता ना लगे गुप्त दान करो और बहुत बारी असं गुप्तदान भी करते हैं उस गुप्तदान का असं किसी पता नहीं लगन देंगे और असी उन्होंने जिथे करीदा उत्थे रिक्वेस्ट करी दी कि इन्हें गुप्त रखा जाए किसी ना दसा जाए। सो सनातन धर्म की गल करिए तो बहुत विशाल हैगा कि बहुत विशाल यह धर्म हैगा तो बहुत लंबिया गल हो जाएगी है मैम को भी टाइम शॉर्ट है बड़ी मुश्किल है मैम ने टाइम दिता है साढ़े कहन के कैमरे अगे आए हैं तो मैम एक लास्ट अपना सवाल करता मैं ये जो 25 नू प्रोग्राम होना जा रहा है क्योंकि वो जो मंदिर है मंदिर के 4-5 मेगा किलोमीटर के एरिए कोई मंदिर नहीं है उत्ते तो की तुम लोगों को अपील करोगे कि बढ़ चढ़ के पहुँचो उत्ते कोई मैसेज देना चाहोगे साढ़े चैनल के राही। हाँ जी उस इलाके दे विच मंदिर बनाने का रीज़न ही यह कि उत्थे उस दे मंदिर दे आसे पासे 2-3 किलोमीटर दी विसिनिटी दे विच कोई मंदिर नहीं है और उत्थों दे जिहड़े श्रद्धालु ने उन्हां नूं विचारियां नूं दिक्कत दा सामना करना पैंदा सी आस पास कोई मंदिर नहीं है जिहड़े सनातनी ने जिहड़े हिंदू धर्म दे लोग ने उन्हां नूं मंदिर जाण दे विच दिक्कत सीगी इस करके उस मंदिर नूं डिवेलप किया गया और उत्थे उस शनिदेव जी दे मंदिर दी स्थापना करवाई जा रही है ताकि उत्थों दे श्रद्धालु जिहड़े आ लोकली उत्थे पहुँच के उत्थे मत्था टेक सकन एंड ऑलसो उस एरिया दे विच उस रीजन दे विच स्मॉल एरिया दे विच असी अपने हिंदू धर्म नूं बताइए बिकॉज उस तो अगे भी काफ़ी 10-15 किलोमीटर दे एरिया दे विसिनिटी तक मंदिर नहीं है कोई तो बस यही सोच सीगी कि मंदिर नूं उत्थे स्थापित करिए ताकि अपने सनातन दे जिहड़े श्रद्धालु ने वो मंदिर तक पहुँच सके। तो मैम उस दिन लंगर भी कोई उत्थे हैगा किस तरह का कोई प्रोग्राम बहुत विशाल भंडारा जी सवेरे 8 बजे तो शुरू हो जाएगा देव पूजन उस तो बाद हवन पूर्णाहुति उस तो बाद जड़ियाँ हाँ साढ़े ब्राह्मणा के अकॉर्डिंगली जो भी चलनगियाँ क्रियावान वो सब होनगियाँ प्रोसीजर्स जोड़े होंगे और नाल दी नाल सवेरे 10 बजे तो भजन कीर्तन का प्रोग्राम स्टेज पर शुरू हो जाएगा और मैं भी पार्टिसपेट कर रही हूँ मैं भी स्टेज परफॉर्मेंस करूँगी और असी एक दो सिंगर भी इनवाइट किए ने वो भजन कीर्तन का प्रोग्राम करेंगे नाल दी नाल बहुत विशाल लंगर जोड़ा सवेरे 8 बजे तो शुरू हो जाएगा और शाम को प्रभु इच्छा तक जो तक रब का हुक्म होएगा उन्नी देर तक चलाने की कोशिश करेंगे। मैम स्थापना रात को होती है कि सवेरे सवेरे ये स्थापना हाँ जी सूरज दे निकलन ते ही स्थापना करवाई जाती सूरज और वो मुहूर्त दे हिसाब नाल असी करवावांगे अभिजीत मुहूर्त दे अंदर असी स्थापना करवाने जा रहे हैं और बकायदा पंडित जी तो मुहूर्त कढ़वा के मेरे बेटे अयान बंसल दे हत्थों असी स्थापना करानी है आखिरी सवाल ही रखांगे आपां कि तुहाडा भी टाइम शॉर्ट हैगा मैम नीलांजन दा मतलब की हैगा नीलांजन श्री शनिदेव जी लिखिया होया ओह मैनूं थोड़ा दस सकदे प्लीज साडे श्रोतां नूं भी जरूर दस्सो। हाँ जी नीलांजन शनिदेव जी का ही नाम है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतन शंभुतम तम नमामि शने शने ये जड़ा शनि जी का मूल मंत्र है तो नीलांजन शनिदेव जी नूं कहा जाता है
आई थिंक नीला जड़ा रंग है उन्हों का, नीले वस्त्र ग्रहण पाते ने, नीले वस्त्र उन्हों का जड़ा रूप है नीले वस्त्रा दे नाल, और जड़ा उन्हों का रूप है वह भी आई थिंक ब्लू ब्लैक, एक डार्क ब्लू रूप है, ब्लैक नहीं है, डार्क ब्लू है शनिदेव जी का जड़ा वैसे ओरिजिनल जड़ा कलर दैट इज डार्क ब्लू, ओके ब्लैक उन्हों की छवि इस करके क्योंकि छाया के पुत्र सके छाया और उन्हों का जरा फेस का कलर से ब्लैक है मतलब सीगा नहीं वो है, तो इस करके उन्होंने ब्लैक का रूप भी दिता जाता बट उन्हों का जो कलर है वह ब्लू है डार्क ब्लू, तो फिर वह आई थिंक नीलांजन समाभासम वो जरा मूल मंत्र है वो नाम से ही असी नीलांजन श्री शनिदेव मंदिर नाम मैम एक बार मूल मंत्र द्वारा मैम पढ़ दी नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शने शने। थैंक यू मैम। ते मैं हुने कहना चाहूँगा कि 25 तरीक नूं जरूर वध तो वध संगत पहुँचो, उत्थे दा जिहड़ा प्रोग्राम है उत्थे जिहड़ा कार्यक्रम होएगा वो जरूर देखो, तो एक अद्भुत मूर्ति जिहड़ी आ रही है एक शनिदेव जी की, तुहानूं देख के भी एक इदां लगेगा कि सामने ही एक ओरिजिनल खड़े ने, तुहानूं खुद नूं फील होएगा कि इदां दा प्रभाव है मंदिर इस तरह की पॉजिटिव ही पॉजिटिविटी उस मंदिर दे विच, ते तुहानूं खुद नूं फील होएगा। जी मैं कुछ कहना चाहूँगा, एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ, उस मंदिर का एक कलर स्कीम और जो मंदिर जो शनिदेव जी की मूर्ति विराजमान कराई है, असी शनिदेव जी की मूर्ति हंस से विराजमान कराई है, हंस दे उत्ते सवारी उदो शनिदेव करते जदों बहुत ही खुशी के मूड च है, ये फिर देखने वाला नज़ारा होएगा जदों ब्लैसिंग देने दे मूड च होंगे, जदों बहुत खुशी के मूड च, जदों हर पासे खुशियां का माहौल क्रिएट होंगे जदों शनिदेव जी हंस की सवारी करके आते, तो असी हंस के उत्ते विराजमान कराया, और जिहड़ा बहुत ऑल्दो बहुत लोगों ने सानू एडवाइस किया कि मंदिर का कलर डार्क ब्लू ब्लैक करो चीज़ा ब्लैक रखो ये वो, असी उन्हों थोड़ा जहा इग्नोर किया, असी कलरफुल मंदिर की थीम रखी है, तुसी देखोगे अगर तुसी शॉट्स दिखाओगे तो मंदिर की जिहड़ी पेंटिंग की कराई गई है वो कलरफुल कराई गई है, कलरफुल कराने के पिछे साडा मोटिव यह सीगा कि जितने रंग जिंदगी में खुशियों के बिखेरोगे उतनी खुशियां तुम्हारे दामन में वापस आएंगी, तो हमने उसको कलरफुल किया है क्योंकि शनि देव जी का खुशी का जो स्वरूप है उसको लोगों तक पहुंचाना है, परिवारों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों की खुशी घरों में परिवारों में खुशियां आए, क्रूर रूप या रौद्र रूप नहीं उन्हों का असी खुशी भरा रूप जड़ा वो लोगों के अगे लेके आवांगे, ब्लैसिंग नाल भरपूर होएगा ये। सो ये तुम मैम ने सुनया जरूर देखने लायक होएगा कि वैसे मैम मैं आज तक देखा नहीं कि हंस जी के उपर ना बैठे मैं मोस्टली मंदिरों के विच ब्लैक कलर के सवारियां डिफरेंट डिफरेंट जड़ा हुंदा वो ब्लैक कलर का ही नीचे उन्होंने सवारी बनाई है और उपर शनिदेव जी ने विराजमान कराया है, उन्होंने असी नहीं असी राजसी रूप विद फुल ज्वेलरी और राजसी परिवेश है उन्होंने और खुशी का जड़ा उन्होंने चेहरा जड़ा वो पूरा हसता हुआ चेहरा ताकि वरदान दे मूड दे विच ऑलवेज जदों भगत उत्थे जाणगे ते वरदान ही लेके आ। सो एक बार जरूर पहुँचो उत्थे ते देखो ये बड़ा भव्य प्रोग्राम होन जा रहा है 25 तरीक नूं 25 फरवरी नूं ही होन जा रहा है, तो मैम की गल्लां तो आपां सारा कि अपने धर्म नाल जरूर जुड़ो, ठीक है जिहड़े तुसीं आपदे रोज़ दे कार्य करदे हैगे उह जरूर करो, पर एटलीस्ट मैं पेरेंट्स नूं भी बच्चों के और बच्चों नूं भी कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट एक बार मंदिर जरूर जाओ, तो देखो ये भी व्यापार कर रहे ने मैम उहदे विच्चों भी टाइम कट के सेवा कर रहे ने, तो हर बंदा टाइम कट सकता है, तो जरूर अपने धर्म नाल जुड़ो। कैमरामैन राज थापर दे नाल रितिश कुमार मोहाली।